हूँ राजेश, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि रामबन से एक बड़ी खबर आ रही है, 3 केस जो है वो पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो बस से बदतर हालात जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिले, क्योंकि पिछले 24 घंटों की बात करें तो अभी तक जो है वो 10 से ज़्यादा केस जो है वो पॉजिटिव पाया जा चुका है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग, आप देख सकते हैं मेरे ठीक कि लोग ये एक रेड जोन घोषित कर दिया, लेकिन लोगों को अभी भी समझ नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना अच्छा काम कर रही है, मगर लोग जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी घरों से बाहर है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ते हालात अभी बात की जाए तो रामबन से एक बड़ी खबर आ रही है, पॉजिटिव केस जो है वो पाए गए हैं अभी अभी। और कल जो थे वो रामगढ़ की बात की जाए तो कल एक रानी तालाब डगैला की बात करें तो एक शख्स की मृत्यु जो बताई जा रही है वो हो चुकी है। लेकिन इस तरह से बढ़ते हालात को देखते हुए लोगों को अभी भी अपने घर में रहने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन लोग जो है वो कभी ना कभी, देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इनसे आप बात भी करेंगे। आपका क्या नाम है? आपका क्या काम है यहाँ पे? मुझे एक चीज, यहाँ तो पुलिस प्रशासन अपना काम करे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जो बाहर का इधर पड़ा है, इधर क्या करना है? आपको आप क्या, आपकी ड्यूटी है यहाँ? आपकी ड्यूटी लगाई गई क्या? नहीं। फिर आपका क्या काम है? ऐसे घूम रहा था। आपको पता है कि रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और आपको इस तरह जिस तरह से हालात जो है बस से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन आप बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे आया था, इधर आया था ऐसे। इनके पास कोई जवाब ही नहीं, ये तो ऐसे चक्कर लगाने आया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी कुछ समझ के बाहर है, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले इस एरिया को जो है ये रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो जिस तरह से केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में कहीं ना कहीं नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है, ठीक, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा ठीक आप झलक दिखाइए किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर है। जिस तरह से हालात जो है जम्मू के हैं वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अभी भी 3 केस पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, रामबन की बात की जाए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा बताइए। ये नई बस्ती का सब्जी मंडी का इलाका है, रेड जोन डिक्लेयर है, लेकिन फिर भी लोग, देखिए आप लोग देख सकते हैं, शूट मिली है, ये बात हम मानते हैं कि शूट है, लेकिन फिर भी शूट का जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रश है, पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि जूम करके बताए। और पुलिस प्रशासन तो अपना अच्छा काम कर रही है, उनको उनकी ड्यूटी है, लेकिन लोगों की तो यहाँ ड्यूटी नहीं है, लेकिन लोग भी यहाँ खड़े हैं। और ये बड़ा ही चिंताजनक सवाल जो है वो खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से केस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो अभी कहीं ना कहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन हम भी लोगों से अपील करेंगे कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी तरह की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए कैमरामैन गुरप्रीत के साथ, राजेश सिंह।